हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो मेरा नाम है रूबी शाकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी 1 से 1.5 महीने पहले। मेरे चैनल का नाम है फिर चाकिया, जैसे आपको दिख रहा होगा नीचे। तो मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसमें सबसे पहले मैंने अपने कुछ शॉर्ट्स डालने शुरू किए थे, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी ही बताना चाहूंगी कि कैसे मैंने अपना वेट 65 से 57 तक किया। अभी बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, बट और रिड्यूस करना है मुझे। बट स्टिल विद इन 3 मंथ्स एंड 3.5 मंथ्स मैंने कैसे इतना रिड्यूस किया वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो शैल वी बिगिन, लेट्स गो। तो शुरुआत मैंने अपनी फिटनेस की थी। वैसे तो मैंने 2019 में ही जिम ज्वाइन कर लिया था, बट हुआ ये था कि कोविड की वजह से सबके अप्स एंड डाउन्स रहे, और उस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरा वेट लॉस गेन बहुत सारी चीज़ें चलती रही। तो सबसे पहला आपकी वेट लॉस जर्नी में जो चीज़ आपको सबसे पहले देखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और आई थिंक काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट भी ये मानते हैं कि आपको अपना बॉडी टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बॉडी टाइप जो है वो ऐसा है कि अगर मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना करूं कुछ दिन तक, या मैं जंक फूड नहीं भी खाती हूँ या बाहर का नहीं खाती हूँ, घर का नॉर्मल खाना खाऊं, तो भी मेरा वेट बढ़ जाएगा। सो उसके बाद अल्टीमेटली मैंने अपना लास्ट ईयर दिसंबर मिड में या एंड ऑफ दिसंबर स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने अपने पर्सनल ट्रेनर को भी इन्वॉल्व किया। इसमें मतलब मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली अपने जिम के एक्सरसाइज के लिए और डाइट के लिए, और किस तरीके से मुझे एक्सरसाइज करनी है उन सब चीज़ों के लिए। तो दिसंबर एंड से स्टार्ट करते करते अभी तक आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 7 to 8 kg। 65 से मैंने अभी 57 56, मतलब 1-2 kg ऊपर नीचे होता रहता है उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने वहाँ तक रिड्यूस किया है। और इसके लिए मैंने जो फॉलो चीज़ें की है वो ये, सबसे पहले मैंने अपना जो हम सर्विंग लेते हैं, जैसे अगर मैं कुछ खा रही हूँ, और अगर हम बेसिक खाना जो खाते हैं हम कभी कभी एक्स्ट्रा सर्विंग ले लेते हैं, अगर यू नो टेस्ट इतना अच्छा अगर कोई चीज़ हमें लगती है तो हम 1-2 सर्विंग एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ मैंने कट की कि अगर मैं सर्विंग जो अपनी प्लेट में रहेगी वो एक ही सर्विंग हो, और उसका जो पोर्शन है वो भी इतना हो कि बस मेरा पेट भरने से भी पहले थोड़ा सा कि हाँ जस्ट मैंने कुछ खाया है। पूरा आप ओवरलोडेड नहीं करेंगे तो आपको खुद से ही एक अंदर से लाइटनेस फील होगा, हैवीनेस फील नहीं होगा, एक वो चीज़ होगी। और जंक फूड तो ऑब्वियसली हमें रिड्यूस करना ही चाहिए। और जिम के लिए मैंने जो किया वो उसमें ये था कि मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी, और उसमें मैंने ब्रेक नहीं दिया, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मॉर्निंग का रनिंग आप जरूर, मतलब मॉर्निंग का रनिंग मैंने कोशिश की करने की, बट वो काफ़ी बीच में ऑन एंड ऑफ हुई, लेकिन मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी। एंड जो डाइट मुझे मेरे ट्रेनर ने सजेस्ट किया, कोशिश की मैंने कि उस पर रहूँ, और मैक्सिमम उस पर रही भी हूँ मैं। वीक में या महीने में 1-2 बार गड़बड़ हुई है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपने पोर्शंस को मील्स को ठीक रखूं। तो मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था कि सुबह उठते सबसे पहले मैं गर्म पानी ज़रूर लेती थी, 2 ग्लास गर्म पानी। उसके बाद कच्ची हल्दी आंवला एंड काली मिर्च को ब्लेंड करके उसका एक शॉट होता था वो मैं लेती थी, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। डिटॉक्स के लिए वो बहुत अच्छा होता है, अगर आप लोगों को भी ट्राई करना हो तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एज ट्रायल के आपको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप 2-3 दिन या 1 वीक ट्राई कर सकते हो। तो शॉर्ट लेने के बाद 9 से बिटवीन 9 टू 11 AM मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती थी, वेदर इट्स पोहा और उपमा और एनी यू नो काइंड ऑफ थिंग, चीला सैंडविच। सैंडविच इज एन यू नो कि 1 ब्रेड और मैक्सिमम 2 शॉर्ट ब्रेड, मतलब छोटे साइज का ब्रेड, या फिर आप उसको हाफ कट कर लो, जिससे कि आपका एक बस एक पाइंट बन जाए सैंडविच का। उसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स या टोफू या पनीर उसको मैं ऐड कर लेती थी। उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके देन लंच मेरा 12 से 1 के बीच में या मैक्सिमम 1:30-2 बजे तक हो जाता था, और इस बीच में मैं कोशिश करती थी कि मेरा कोई ना कोई सैलेड लाइक क्यूकम्बर कैरेट बीटरूट ये चीज़ मैं रखूँ ऐड करके बिफोर लंच, तो ताकि एक जो ग्रीन ज़रूरी होते हैं, और बीटरूट बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, क्यूकम्बर कैरेट ऑब्वियसली दीज थिंग। तो आफ्टर लंच, जैसे लंच कंप्लीट हो गया मेरा, स्नैक्स के लिए अब मैं कोशिश करती थी कि स्नैकिंग थोड़ा हेल्दी रहे, एज ए लाइक आपने रोस्टेड मखाना खा ली, ये नहीं कि आप रोस्टेड मखाना खा रहे हो हेल्दी है, बट मैंने बहुत सारे ले ली, नहीं,
पोर्शन मेरा थोड़ा सा रहता था, रोस्टेड मखाना हो गया या रोस्टेड मुरमुरे हो गए या रोस्टेड पोहा हो गया। नट्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती थी एज स्नैक्स, क्योंकि मैं मॉर्निंग में गर्म पानी के बाद सोक नट्स लेती हूँ। सोक इसलिए करती हूँ ताकि उसमें जो नट्स होते हैं बादाम काजू बहुत गर्म होते हैं, तो अगर आप उनको गर्म कर लेते हो तो उनकी गर्मी निकल जाती है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मेरा सुबह से लेकर स्नैक का प्लान हो जाता था। और रात को या तो मैं बाजरे की रोटी या सैलड ले लेती थी, बाजरे की रोटी भी एक या मक्के की रोटी एक, उसके साथ बहुत सारी सब्जी। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको मेरे लंच मील्स में भी बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी ज़रूर दिखेगी, फ्रूट का सैलड दिखेगा, और डिनर में भी आपको मेरा बहुत सारे सैलड्स दिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने अपनी डाइट को मेंटेन रखने की कोशिश की, और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि अपनी डाइट को मेंटेन रखूं। और जैसे शॉर्ट्स में मैंने कुछ अपने एक्सरसाइज के वीडियोस डाले हैं, तो जिसमें आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और मैं चाहूंगी कि आप मुझे आगे भी बहुत सपोर्ट करें इसके लिए। और आगे भी मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ सैलेड्स के या डाइट के या अपने एक्सरसाइज के शॉर्ट्स डालते रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि वीडियोस भी डालूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप उसे देखें। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ किसी को सिखाने के लिए ही है, वो ये मेरी जर्नी है कि मैंने कैसे किया अभी तक और आगे मैं कैसे इसे मेंटेन रखना चाहती हूँ। और इसमें से अगर आपको कोई भी पोर्शन ऐसा लगा हो जिससे आपको मदद मिल सकती है, या आपके कोई भी सवाल हो कि मेरे ट्रेनर को लेके, और हाँ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, ऑल दिस ट्रेनिंग पीरियड, जर्नी पीरियड जो भी मैंने 3 साढ़े 3 महीने किया, मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है, मैंने कोई भी प्रोटीन नहीं लिया है। मतलब जो जिम में यूजुअली लोग प्रोटीन और प्री वर्कआउट और ये सारी चीज़ें लेते हैं, क्योंकि मेरा आई डोंट नो वाई कि मेरा अभी तक कोई भी किसी भी प्रोटीन पे या फिर किसी भी प्री वर्कआउट थिंग पे मेरा ट्रस्ट उतना बिल्ड नहीं हो पाया है। दो मेरे सर ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हैं, कुछ उन्होंने मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उस पर नहीं जा पाया है मेरा। तो एज प्रोटीन, वो मैंने एक अपने लिए एक प्रोटीन का एक पाउडर अपने लिए बनाया हुआ है, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और जो मिक्स सीड्स होते हैं जैसे पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, सारे मैंने ड्राई रोस्ट करके, मखाना सारे मिक्स ड्राई रोस्ट करके उनका एक पाउडर बना के अपने लिए रखा है, जो मैं एज प्रोटीन यूज़ करती हूँ। तो एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे शेयर करनी थी अपने लिए। और सेकेंड चीज़ के हो सकता है कि ये चीज़ मेरे मेरी गलत हो कि मैं कोई भी प्रोटीन या विटामिन्स और कैल्शियम मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन मैं कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर प्री वर्कआउट नहीं लेती हूँ, ये एक चीज़ है। और एट द एंड बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपना सपोर्ट मेरे साथ ज़रूर रखिए, अपना सपोर्ट बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आऊँ, और कुछ डांसिंग के वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और बहुत जल्द मैं मतलब कल से ही मैं बस आप लोगों के लिए सैलेड्स की रेसिपीज़ लाने वाली हूँ, रेसिपीज़ इन द सेंस जो मैंने सीखी है, और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई रेसिपीज़ नहीं लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फिटनेस चैनल है, वो प्रॉपर कोई कुकिंग चैनल नहीं है। तो शॉर्ट्स में ही वो आपको मैं अपने बेसिक अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी सैलेड्स दिखाऊंगी, जिससे आप खा के हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हो, और आपको टेस्ट में भी बुरे नहीं लगेंगे वो, क्योंकि वो मैंने एक्सपेरिमेंट करते करते खुद ही सीखे हैं। तो ऐसे ही बस आप अपना सपोर्ट रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच अभी तक आपने मुझे सपोर्ट दिया। और दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू गाइज, बाय बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुपिशा के।